पसीना कहाँ आ रहा है मुझे? तो देख के नहीं आ रहा ना। तुमको आ रहा है पसीना? वैसे मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे पसीना आ रहा है इनको देख। किधर आ रहा है भाई? शमीम जी की नहीं, वो हमारी भी फिल्म है और मैं बहुत खुश हूँ। देख सकते हैं हम लोग कितने खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। और आफ्टर लॉकडाउन ऐसा एक बूस्टिंग की बहुत ज़रूरत थी। अभी लखनऊ में 5-5 फिल्मों का मुहूर्त करके आई मैं, और अभी हम यहाँ पर भी एक फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि टीम बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है फिल्म की। पोस्टर आज ही लॉन्च कर दिया है, और जब भी एक्शन सब्जेक्ट मेरे पास आते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है वैसे, लेकिन ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं ये जोक हम बार बार उठाती रहती हूँ। रानी जी, पुलिस की वर्दी पहले ही पहन चुके हैं आप, और अभी आईपीएस का ऐसा आईपीएस कल कर चुके हैं, हवलदार नहीं बनी मैं कभी, मैं हमेशा आईपीएस ही बनी। तो इसमें कुछ इसमें हो सकता है कुछ ऐसा भी हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वो वर्दी पहनने के बाद, भले ही नकली के पुलिस हो, लेकिन वो एटीट्यूड जो आता है ना। मैं किस्सा बताना चाहूँगी, मैं गुजरात में, मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं जिसमें मैं एज एन इंस्पेक्टर मैंने प्ले किया है। मैं गुजरात में शूटिंग कर रही थी और इंस्पेक्टर के कैरेक्टर में जब मैं उस लुक में थी, मैं ड्राइव करके जब रास्तों से गुजर रही थी तो लोग ऐसे ही अपने आप हट जा रहे थे। तो मतलब उस वर्दी की बात ही कुछ और है। सो मैं क्या कहूँ। हाँ, श्रीमान श्रीमती का बहुत जल्दी वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होने वाला है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इन्फॉर्म किया है लोगों को। और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोई भी फिल्म मेरी कंप्लीट नहीं है, अभी स्टार्ट हो रही हैं। अभी बहुत जल्दी मैं बाबुल की गलियों के सेट पे पहुंचूंगी, और उसके अलावा मेरी वेब सीरीज़ की शूटिंग्स चल रही हैं, टीवी में भी एक बहुत ही अच्छे एपिसोड्स को लेकर आ रही हूँ। सो कंटिन्यू बैक टू बैक, अभी तो इंशाल्लाह अभी तो शुरू हुआ है। सो आई थिंक गोवा में क्या, बस वायरल, मतलब गोवा गई थी घूमने के लिए। नहीं, कुछ खास ट्रिप नहीं थी, मम्मी के साथ थी वो ट्रिप। मम्मी और मैं बहुत टाइम से बाहर जाना चाह रहे थे, बट मैंने ये सीक्रेट रखा था कि माँ मैं कोई नहीं गया है, मैं अकेली गई हूँ, ताकि थोड़ा सा चर्चाओं में बनी रहूँ, बट मेरी मम्मी गई थी, सबको पता चल गया। काउंट मलयूद ऑल्सो ना। रानी जी के साथ ये मेरी पहली पिक्चर है जिसमें हम लोग प्लेयर हैं, और वैसे 3 पिक्चरें और हैं, एक बेमिसाल खिलाड़ी है जिसमें ये दूसरे हीरो के अपोजिट है, एक फिल्म है मेरी परिवार के बाबू जिसमें इन्होंने गेस्ट अपीयरेंस किया है, एक आइटम नंबर इन्होंने किया है काफ़ी, और बड़े लेविस गाना है और बड़ा लोगों ने पसंद किया, गेस्ट अपीयरेंस सॉन्ग है वो, और एक और फिल्म है जो ये मुस्कुरा रही है जो इन्होंने, आप ही बता दीजिए। मलयुद्ध हीरो बनने से पहले तो भोजपुरी नहीं, लेकिन बनने के बाद देखा कि यार ये कौन हीरोइन है जिसको जो भी लड़का आता है हीरो बनने बोलता है यही हीरोइन चाहिए, तब मैंने गौर किया अच्छा ये रानी चटर्जी नाम की कोई हीरोइन है भोजपुरी में जिसको जो भी हीरो आता है बनने के लिए भैया मुझे हीरो बनना है। उस दौर में जब मैं मलयुद्ध कर रहा था या जब मैं भोजपुरी, मैं मॉडलिंग से भोजपुरी सोच रहा था कि भोजपुरी करते हैं कुछ स्टार्डम के लिए, तब जब मैं भोजपुरी रीड किया तो मुझे देखा जो भी नया लड़का आ रहा है, जो भी एक्टर हीरो बन रहा है, उनको बस एक ही हीरोइन चाहिए, वो रानी चटर्जी। क्या बात है, मुझे पता नहीं था ये बात। मैंने रीड किया, मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को जब मैं हाँ मतलब उस समय बाकी सब हीरो हीरोइन अपने पेयर बना के चलते थे, और जो नया बन रहा था उसका पेयर रानी चटर्जी के साथ। मुझे ना मैं बहुत लकी रही हूँ कि मैंने बहुत सारे किरदार किए हैं। आई थिंक औरतों के जीवन में जितने औरतें किरदार निभाती हैं रियल लाइफ में, मैंने वो ऑलमोस्ट कर लिए हैं। बट मैं अगर मुझे पूछा जाता है कि मुझे कैसा किरदार करना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बात करने वाली लड़की का किरदार करना है जो बहुत बातें करती है, बहुत 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 बातें करती है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।